अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत तो से आफियत से होंगे। तो भैया, जैसा कि जानते हो कि लास्ट नाइट लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान का मैच हुआ, जिसमें मुल्तान सुल्तान को लाहौर कलंदर्स ने आखिरी ओवर्स में बासानी शिकस्त दे दी। तो भैया, इसमें क्या मैच में क्या हुआ? आप लाहौर कलंदर्स के बॉलर पर जुर्माना ऐद क्यों किया गया, उसको जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको बासानी देख सकें। तो भैया, लाहौर कलंदर्स के स्पीड स्टार बॉलर हारिस रऊफ ने जब गैर मुल्की खिलाड़ी को रन आउट किया, तो उसको गैर मुनासिब इशारे करने पर मैच का 25% जुर्माना आयद किया गया। तफसीलात के मुताबिक, जब उन्होंने रन आउट किया तो रन आउट करने के बाद उन्होंने नाजेबा इशारे किए कि गैर मुल्की खिलाड़ी को, उनके बाद पीसीबी ने उन पर जुर्माना आयद कर दिया, मैच फीस का 25% जुर्माना आयद किया। क्या हारिस रऊफ को ऐसे जुर्माना करना चाहिए इसे इशारात करने पर? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।